पार्टिकल फिज़िक्स के अर्ली डेज में साइंटिस्ट जैसे जैसे सफिशियंट एनर्जी के पार्टिकल एक्सेलेटर्स बनाते गए वैसे वैसे नए सब एटोमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होती गई इनमें से कुछ पार्टिकल्स बहुत कम टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं और फिर डिके हो जाते हैं इसकी वजह है इनका मास एनर्जी कॉन्जर्वेशन से हम जानते हैं कि पार्टिकल जितना मैसिव होगा वह उतना ही ईजिली लाइटर मास पार्टिकल्स में डिके हो सकता है लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स डिस्कवर हुए जो हैवी होने के बावजूद दूसरे पार्टिकल्स के कंपैरिजन में काफ़ी टाइम तक एग्जिस्ट कर पा रहे थे मतलब इनका डिके प्रोसेस काफ़ी स्लो था इन पार्टिकल्स की यह प्रॉपर्टी काफ़ी स्ट्रेंज होने की वजह से इसे स्ट्रेंजनेस और इन पार्टिकल्स को स्ट्रेंज पार्टिकल नाम दिया गया स्ट्रेंज पार्टिकल्स के इतने टाइम तक एग्जिस्ट करने की वजह है कि इन पार्टिकल्स का डिके केवल वीक इंट्रैक्शन के थ्रू ही हो सकता है स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन से नहीं और वीक इंट्रैक्शन के वीकर होने की वजह से इनका डी स्लो हो जाता है स्ट्रेंजनेस की यह प्रॉपर्टी सभी हेड्रॉन पार्टिकल्स में पाई जाती है किसी भी हेड्रॉन पार्टिकल के स्ट्रेंजनेस को ग्लेमन निशमा फार्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है इस फार्मूले में Q इलेक्ट्रिक चार्ज है I3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है B बैरियॉन नंबर है और S स्ट्रेंजनेस है अभी तक के लेक्चर्स में हम एक पार्टिकल के लिए चार्ज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन और बैरियॉन नंबर तीनों को ही पढ़ चुके हैं तो इन तीनों की हेल्प से किसी भी पार्टिकल के लिए स्ट्रेंजनेस फाइंड आउट किया जा सकता है सबसे पहले इस रिलेशन को रीअरेंज करके स्ट्रेंजनेस के इक्वल कर लेते हैं प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन प्लस वन इलेक्ट्रिक चार्ज का बैरियन पार्टिकल है जिसके थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की वैल्यू प्लस हाफ होती है ग्लेमर निश्वा फार्मूले से प्रोटॉन के लिए स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट करने पर यह जीरो आती है मीन्स प्रोटॉन एक एक नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल पार्टिकल है है न्यूट्रॉन न्यूट्रल जिसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन माइनस हाफ होता है न्यूट्रॉन भी एक नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है के प्लस मैसोन की बात करें तो के प्लस पॉजिटिवली चार्ज मैसोन पार्टिकल है इसलिए इसका बैरियन नंबर जीरो और आई थ्री प्लस हाफ होता है यह एक स्ट्रेंज पार्टिकल है जिसकी स्ट्रेंजनेस प्लस वन होती है इसी तरह ओमेगा माइनस नेगेटिवली चार्ज बैरियन पार्टिकल है जिसकी आई थ्री जीरो होती है इसकी स्ट्रेंजनेस माइनस थ्री है इस तरह किसी भी हेड्रॉन पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट की जा सकती है यहाँ सभी हेड्रॉन पार्टिकल्स की स्ट्रेंजनेस दी गई है आप इसे नोट कर सकते हैं स्ट्रेंजनेस एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करते हैं और इन्हें कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है स्ट्रेंजनेस के नोटेशन में स्पिन से कंफ्यूज ना हो पार्टिकल फिजिक्स में स्पिन के लिए स्मॉल एस जबकि स्ट्रेंजनेस के लिए कैपिटल एस नोटेशन काम में लिया जाता है सभी लेप्टॉन पार्टिकल्स नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं मीन्स इनके लिए स्ट्रेंजनेस जीरो होती है कायन का डीके पायन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रीनों में हो रहा है इस रिएक्शन में कायन एक स्ट्रेंज पार्टिकल है जिसकी स्ट्रेंजनेस प्लस वन है जबकि बाकी के तीनों पार्टिकल्स नॉन स्ट्रेंज हैं दैट मीन्स इस रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है नेक्स्ट एग्जाम्पल में दो प्रोटोन के इंट्रेक्शन से कायन और सिग्मा में डिके प्रोटोन एक नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है जबकि कायन और सिग्मा स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं इस न्यूक्लियर रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व है हेड्रॉन पार्टिकल्स के लिए एक और क्वांटम नंबर डिफाइन किया गया जिसे हाइपरचार्ज कहते हैं हाइपरचार्ज पार्टिकल्स के बैरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस का सम होता है दूसरे तरह से इसे डिफाइन करें तो किसी भी मल्टीप्लेट ग्रुप के मेंबर्स का हाइपर चार्ज उस मल्टीप्लेट के मेंबर्स के चार्ज के एवरेज का ट्वाइस होता है जैसे पायोन ट्रिपलेट मल्टीप्लेट में तीन पायन पाई प्लस पाई, पाई माइनस और पाई जीरो हैं इन तीनों के चार्ज के एवरेज का ट्वाइस जीरो होगा दैट मीन्स तीनों पायन का हाइपर चार्ज जीरो है इसी तरह दोनों न्यूक्लियॉन्स के एवरेज चार्ज का ट्वाइस वन होता है दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हाइपर चार्ज वन होगा हाइपर चार्ज को ग्लेमनसमा फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है एज वी सेड बैरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस के सम को हाइपर चार्ज कहते हैं तो इस रिलेशन को रीअरेंज करने पर किसी भी पार्टिकल का हाइपर चार्ज उस पार्टिकल के इलेक्ट्रिक चार्ज और थर्ड कम्पोनेंट ऑफ आइसोसपिन के डिफ्रेंस का ट्वाइस होता है इस फॉर्मूले को यूज़ कर न्यूट्रॉन और प्रोटोन के लिए हाइपर चार्ज कैलकुलेट करने पर यह वन आता है आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस की तरह ही हाइपरचार्ज भी एक अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ है जो एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करता है यहां सभी मल्टीप्लेट ग्रुप्स के हाइपरचार्ज दिए गए हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं पायोन और प्रोटॉन का डिके कायोन और लैमडा पार्टिकल में इस रिएक्शन में पायोन और लैमडा के हाइपरचार्ज जीरो जबकि प्रोटॉन और कायन के हाइपरचार्ज वन होते हैं इस रिएक्शन में हाइपरचार्ज कंजर्व्ड है डेल्टा पार्टिकल का डिके पायोन और न्यूट्रॉन में हो रहा है डेल्टा का हाइपरचार्ज वन जबकि पायोन का हाइपरचार्ज जीरो और न्यूट्रॉन का हाइपरचार्ज वन होता है इस रिएक्शन में भी हाइपरचार्ज कंजर्व है